प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आजकल घर घर में बीमारी रहती है। कोई ऐसा घर नहीं बचा जिस घर में दवाइयां ना चलती हों। यदि घर के 5 सदस्य हैं तो 5 में से 2 तो ऐसे आपको अवश्य मिलेंगे जो सुबह शाम दवाइयां खाते रहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेके उनके दिन की शुरुआत होती है दवा गोलियों से, और रात की निद्रा की शुरुआत भी उनकी गोलियों से ही होती है। यानी रात के सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा दिन उनकी कोई ना कोई दवाई गोलियां चलती रहती हैं और उनके घर के ड्रॉअर दवाइयों से भरे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि एक बात का बड़ा विषय ध्यान रखना, यदि आप दवाइयों से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर को ठीक करें। एक तो जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर कभी भी भूल कर खाना ना खाएं। घर के पूर्व उत्तर कोण यानी ईशान कोण को और पूर्व दक्षिण कोण को सदैव साफ सुथरा रखें। घर की रसोई हमेशा आपके अग्नि कोण में होनी चाहिए, और जितनी आपकी घर की रसोई रात को सोते समय आप साफ करके सोएंगे, जितनी घर की रसोई आप अच्छी तरह चमकाकर बर्तन वगैरह सब साफ करके सोएंगे, उतना आपका पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा, उतना आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। भूल कर भी पश्चिम और दक्षिण कोण के अंदर किसी प्रकार के पानी की व्यवस्था ना करें, नहीं तो आपके घर में बीमारियों की इतनी लंबी शुरुआत हो जाएगी कि वो कभी बीमारियां कभी ना तो ख़त्म होंगी ना घर से दवाइयां ख़त्म होंगी। घर में किसी प्रकार की सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट वस्तुएं इकट्ठी ना करें। पुराने जूते जो यूज नहीं करते उसको घर में इकट्ठा करना बंद कर दें, और घर में कोई भी बंद घड़ी, कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खोटे सिक्के, जंग लगा हुआ लोहा ये नहीं होना चाहिए, और घर की छत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और यदि आप अपनी कुंडली में देखें, यदि आपकी कुंडली में आपके लग्न पर या लग्नेश पर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ती है, इन तीनों में से किन्हीं भी दो ग्रहों की दृष्टि यदि आपके लग्नेश पर पड़ रही है और अष्टमेश आपका लग्नेश को पीड़ित करता है, या लग्नेश आपका तीसरे और आठवें और छठे घर में मौजूद है, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को जीवन भर रोगी बन रहना पड़ता है। ऐसे घर में बीमारियां कभी निकलती नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि राहु या शनि केतु का योग बन जाए, उस पर कोई भी शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि ना हो, तो ऐसी अवस्था में भी उस घर से कभी बीमारियां निकलती नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अधिक से अधिक शनि राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जैसा कि शनि से संबंधित वस्तुएं 7 प्रकार का अनाज, ये आपको दान करना चाहिए। लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, चमड़े के जूते, काले रंग का कपड़े का छाता, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद और काले तिल जल प्रवाह करने चाहिए। स्लेटी रंग का कंबल बुधवार को किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करना चाहिए, और वर्ष में एक बार 1 मीटर नीला कपड़ा लेके उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम रांगा धातु और एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्रियाँ इकट्ठी बांध कर सिर से 7 बार वार कर पूरे घर में घुमाकर इसको पानी में बहा देना चाहिए। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक सदैव जलाएं और रात का खाना सदैव आप भूमि पर बैठ के खाएं, इससे जीवन में आनंद होगा। जितनी भी घर में पुरानी दवा की शीशियां, दवा के पत्ते, दवा की गोलियां आपने फालतू इकट्ठी कर रखी हैं, जो आप उसको यूज नहीं करते हो पर उसका घर पर संग्रह कर रखा है, वो सब इकट्ठा करके रात्रि के समय उसको घर से निकाल कर किसी कूड़े दान में उसको फेंक के आ जाए। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।